हाय फ्रेंड्स आज एक बहुत अच्छी सी सक्सेस स्टोरी है और ये मैं खुद सुनाऊंगी आप लोगों को इन्होंने अपना रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया और इतने प्यार से मैनिफेस्ट किया है ठीक है अच्छा हम बहुत सारे टेक्निक्स कर रहे हैं रिचुअल्स कर रहे हैं राइट लेकिन इन सारे रिचुअल्स के बीच में प्लीज आप लोग आ, मतलब जो लोग भी अभी कर रहे हैं और रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं उनको उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मदा क्वान एन की जो प्रेयर मैंने अपलोड की है वो प्रेयर्स प्लीज़ ज़रूर कीजिए अपनी लाइफ में उसको लेके आइए ठीक है एटलीस्ट मॉर्निंग में करना स्टार्ट करो क्योंकि क्या हो रहा है मैंने देखा कि Uh, जितने भी लोग स्ट्रक पड़े हुए थे या आगे मूवमेंट ही नहीं है मैनिफेस्टेशन में जैसे ही क्वानियन की प्रेयर की है एकदम से सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है तो आप सब भी करो प्लीज़ उस प्रेयर को और ये क्या लिखती हैं ये प्लीज़ ध्यान से सुनो ताकि सेम आप लोग अट्रैक्ट कर पाओ तो जितने भी रिलेशनशिप वाले लोग हैं वो सेम यही चीज़ अट्रैक्ट कर पाएँ जैसा कि इन्होंने मैनिफेस्ट किया है बहुत सारा ग्रैटिट्यूड लिखा है आगे वो आप यहाँ पे अच्छा इन इनकी इस सक्सेस स्टोरी में इन्होंने खुद अपने हैंड राइटिंग में लिख के जैसे हम ख़त लिखते हैं लेटर लिखते हैं वैसे लिख कर के अपना सक्सेस हमें बताया है राइट तो आगे के पन्नों पे सिर्फ ग्रैटिट्यूड है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा मैंने इंस्टा पर भी पोस्ट किया आप प्लीज़ उसे पढ़िएगा और यहाँ पे जो मेन इनकी स्टोरी है जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया वो मैं बताती हूँ ये लिखती हैं मैम मैं जब मदर क्वान कोआानशन को अपने एसपी से मैसेज मैनिफेस्ट करने के लिए प्रेयर कर रही थी तो मैंने प्रेयर में अचानक से बोल दिया कि मेरे पेट का दर्द भी ठीक हो जाए और मैम ये बोलते ही मैजिक हो गया मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया दूसरे दिन यानी 27 अगस्त को मेरे एसपी का कॉल मुझे आया बोले कि मैं अपनी फुल लाइफ में तुमसे क्यूट ऑनेस्ट मच्योर स्वीट लवेबल फेथफुल लड़की मैंने नहीं देखी है आप के बहु आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ये बहुत बार बोलना चाहता था पर डर लगता था कि कहीं आपका नेचर चेंज ना हो जाए मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहता हूँ मैं जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहता हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका हूँ और हमेशा रहूँगा मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूँगा और ना ही आ, साथ छोड़ूँगा इतना ही नहीं मैम मेरे एसपी मुझे सॉरी भी बोले मुझे वेट करने के लिए कराने ओके वेट करवाने के लिए और मुझे हर्ट करने के लिए भी बोले शादी की बात आगे यानी मेरे पेरेंट्स से करने के लिए अपनी बहनों को बोलेंगे रक्षाबंधन पर मेरे एसपी के पापा जी नहीं हैं मैम तो इसलिए मम्मी जी से ही बात करने के लिए बहनों को बोलेंगे और फिर सब मेरे पेरेंट्स से बात करेंगे मतलब दिस इज़ रियली ओसम दिस इज़ रियली ओसम और फिर इसके बाद यस yes, थैंक यू वगैरह है बस इतना ही कहूँगी कि इस सक्सेस स्टोरी की सक्सेस अट्रैक्ट करना एक एक शब्द जो जो इसमें लिखा है वो हर एक के दिल की यही ख्वाहिश है कि इसी तरह का उनका पर्सन भी उन्हें बोले और आप सब भी यही सेम चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो ठीक है मदर की प्रेयर करो सेल्फ़ लव को रेज रख करके रखो जितने रिचुअल्स रेमेडीज़ हम देते जाते हैं हमेशा कोई डिवाइन डेज़ पे जैसे कि पूर्णिमा पे दिया था वो सब करो आप लोग और पॉजिटिव रहो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव रहना ठीक है आप अगर ये सब चीज़ें करोगे रिचुअल्स करोगे आप आसानी से मैनिफेस्ट कर लोगे डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है ठीक है ना तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए और ये छोटी छोटे सक्सेस स्टोरीज से आप लोग भी सक्सेस अट्रैक्ट करो मदर क्वानियन की प्रेयर के साथ मॉर्निंग आप स्टार्ट करो अपने एंजल मेडिटेशन से ओके okay? ताकि आप लोग सारे दिन बड़े पॉजिटिव इमोशंस में रहो हील्ड रहो ठीक है इसके बाद आप अपना सेल्फ लव ऑन रखो मिरर के सामने जब भी जाओ अपना सेल्फ लव करो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद आप अपने विशेज के अकॉर्डिंग जो भी टेक्निक्स आपको समझ आती है इतने सारे टेक्निक्स हम अपलोड करते हैं जॉब के लिए हो फिर चाहे करियर के लिए हो स्किन के लिए हो हेल्थ के लिए हो वो सारी टेक्निक्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपने लिए ओके काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये सब और जिस तरह से इन्होंने मैनिफेस्ट किया आप भी मैनिफेस्ट करेंगे डेफिनेटली अच्छा बहुत से लोगों के साथ होता है कि मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं और क्या होता है उनके स्पेसिफ़िक पर्सन मूव ऑन कर जाते हैं ठीक है मतलब किसी और से शादी हो गई कुछ हो गई तो उस टाइम पे अपने आप को बिल्कुल ही डाउन कर लेना कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गए जो जिन्होंने शिद्दत से ये सारे सेल्फ़ लव किए हैं और सारे टेक्निक्स किए हैं वो अगर लास्ट में यूनिवर्स उनको वो चीज़ नहीं देता मैंने हमेशा बोला है कि जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए कोई फ्रेम सेट करते हो मेरा पर्सन ऐसा हो वैसा हो वो फ्रेम वो चीज़ वो वाइब यूनिवर्स में रहती है आप जिस पर्सन को चाह रहे हो मैनिफेस्ट करना अगर वो पर्सेंट पर्सन वहाँ पर आ, आ, उस फ्रेम में ही नहीं आ रहा तो आपको वो कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे ठीक है या तो उसको पूरा मॉडिफाई करो उस तरह से जिस तरह का फ्रेम आपने सेट किया है जिस तरह की चीज़ें हैं तो यूनिवर्स जब भी, भी आपको ब्लेस करेंगे आपको बेस्ट तरीके से ब्लेस करेंगे ठीक है आपकी लाइफ में बेस्ट ही मिलेगा जो आपके लिए सुपर बेस्ट ओके इसके साथ साथ यस अपने आप को जितना पॉजिटिव रखो जितना आगे बढ़ो सब कुछ ब्लेस्ड है सब हैप्पी है, हैपनिंग है सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल